नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बनता जा रहा है। जिस तरह लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपहरण फिरौती एक उद्योग के रूप में विकसित होने का काम कर रही है। कानून का भय समाप्त हो गया, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले कानपुर में संजीत यादव का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई, कानपुर से ही एक और व्यक्ति का अपहरण होता है और आज तक पुलिस उसकी पता तक नहीं लगा पाती है। गाजियाबाद में विक्रम त्यागी जिसका अपहरण हुए 1 महीने हो गए और आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती और सरकार बैठकर मुखदर्शक बनकर तमाशा देखने का काम करती है। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जहां हर तीसरे चौथे दिन आना जाना होता है मुख्यमंत्री का, वहां पिपराइच में एक पान व्यवसायी के लड़के का अपहरण होता है और उसकी हत्या हो जाती है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। पूरी तरह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मर गई है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं समझ सकता। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।